Hello students, we are back again on your favorite learning platform Learn Forward by Pedheka. Today we are going to study something very interesting and it is about the Sufi Bhakti movement. So let's start with it. In India's heart, where faiths unite, Bhakti and Sufi are so bright, Nida sang of Krishna's love, which just mystics, dance above temples and dargahs side by side, a symphony of faith, a joy is right, love like rivers ever flow, bhakti sufi, a harmonious show. So who sang of Krishna's love in the poem? Krishna's love, love was sung by Meera. Who represented the Sufi tradition in the poem? Chishti. And who is the central theme? What is the central theme of the poem? Is the Bhakti and the Sufi movement. Now, let us study about this in detail. During the early medieval period, Hinduism and Islam were the dominant religions in India. So, Shurwatme Hinduism aur Islam and Islam. Shaivism and Vaishnavism were the two main sects of Hinduism. In addition to these, the worship of Shakti in the form of Kali, Durga, Jagdama, etc., was widely prevalent. And Buddhism declined in this north, but remained popular in the eastern India. Jainism it became popular among the trading class. The Lingayat founded the Basava of Karnataka and was most popular sect in Chola kingdom. Bhakti movements were also started by Mayanar and Alva saints in South India in the early 16th century. Sikhism was founded by Guru Nanak, and the Hindu legend was written by.

मूवमेंट फॉर रिलोशन क्या था जो मूवमेंट था हिस्ट्री है ना भक्ति मूवमेंट की था

इन लोगों ने क्या डिस्कार्ड किया लोगों ने लोगों ने समझा लोगों ने समझा किस हम सैक्रीफाइस करें ये कोई काम के नहीं है इंसान अगर भगवान को पाना चाहता है तो इंसान इंसान के लिए फील करें उसने इसका मेथड नॉर्थ इंडिया में फॉरवर्ड uh, किया तो रविदास और कबीर जो थे उनके रामानंदा के जो मेजर डिसाइपल थे वो रविदास और कबीर थे और ये दोनों जो है लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे

ही रिजेक्टेड वेदास एंड कुरान एंड सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीमसी ब्राह्मण्स एंड मुल्लास उन्होंने कहा कि ये जो है ना एक सेक्टर को आपने ऊपर रखा हुआ है उनको भगवान कितना ट्रीटमेंट दूसरों को लोअर जाति के लोगों को आप अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं ये गलत है

Uh, सूरदास जो थे वो भी कृष्णा के डिवोटी थे उन्होंने लिखी थी, उनकी जो है, तो जो मानस लिखी थी ये भी राम जी के बहुत बड़े भक्त थे शंकर देव जो थे वो रिलीजियस रिफॉर्मर थे आसाम में वो कृष्ण जी के बहुत बड़े डिवोटी थे और इनकानेशन थे विष्णु जी के नसी मेहता रोड इन गुजराती महाराष्ट्र में जो संत ज्ञानेश्वर थे वो उन्होंने भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी कमेंट्री ऑफ भगवत गीता इन मराठी नामदेव तुकाराम एंड रामदास अदर भक्ति सेंट्स और महाराष्ट्र गुरु रामदास जी जो थे उनके इनफ्लुएंस इन्फ्लुएंस ऑन शिवाजी अब हम बात करते हैं कृष्ण कबीर जी के बारे में कबीर जी जो थे एक बहुत बड़े नोटेबल एक्सपोनेंट थे भक्ति कल्ट मूवमेंट के उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए जिससे हारमोनी फैले लोग हिंदुज्म और इस्लाम के बीच में लोग लड़े ना पर एक दूसरे के रिलिजन के लिए, लिए टॉलरेंट हो उनकी अगर हम बचपन की बात करें तो वो कहाँ वो कह पैदा हुए थे वो पैदा हुए थे वाराणसी में बनारस में

जिसका मतलब होता है प्योर मुस्लिम सेंट जो थे उन्होंने एडवोकेट की लाइफ ऑफ प्योरिटी अकॉर्डिंग टू सूफिज्मी बिहाइंड ऑल दिली एंड रियालिटी वेरी इंपॉर्टेंट राइट the doctrine was propounded by sheikh muhammad abdul arabi and it became the acknowledged belief of all the sufis in india who were successful in converting large number of caste into uh, hindus into islam they laid the uh, foundation of which language urdu language that became a medium of intercourse between them and the people and they looked into indian sadhus they looked like they all look like indian sadhus only in some of their other practices of behavior data ganj bakhshothe वो सबसे बड़े सूफी मूवमेंट के कल्ट थे जो थे जो फाउंडर थे अब सूफी सिलसिला जो थे उनको ऑर्डर्स भी कह थे। कहते थे सूफीज को ऑर्गेनाइज किया था सिलसिलास में जिसे रिलीजियस ऑर्डर्स कहते थे दे डॉक्ट्रिन्स वर नॉट कॉमन द सूफी ऑर्डर्स वर नेम्ड आफ्टर द फाउंडर ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्डर इंडिया में चिश्ती सूराबदरी और नक्शबंदी जो था तीन ओल्डेस्ट सूफी ऑर्डर्स हैं ये जो सूफी ऑर्डर्स हैं इनका दे ऑल हैड अ

एंड इन इंडिया दिस ऑर्डर वज फाउंडेड बाय शेख बादी जकीाइबल ऑफ शेख सहबुदी ये जो ऑर्डर था वो सिंध एन मुल्तान

फिर आया फिरदौसिया शतरी ऑर्डर्स और ऑफशूट्स ऑफ शहादरी ऑर्डर्स एंड एक्टिव इन बंगाल फिर नक्शबंद हमने नक्शबंदी ऑर्डर जो था वो ख्वाजा बक्की बेटा ने फाइंड किया था सिक्सटीन सेंचुरी में शेख अहमद सुरहिंदी वाज द फेमस सूफी ऑफ दिस ऑर्डर तो तीन ऑर्डर हमने पढ़े सूफिज्म के यहाँ पर। देन इज प्रीचर्स ऑफ सूफिज्म सूफिज्म क्या बिलीव करता था डिड नॉट बिलीव इन फीस्ट फास्ट एंड रिचुअल कहते हैं ना तो ना तो आप व्रत रखो ना फास्ट करो ना आप ऐसे पार्टीज करो ना कोई रिचुअल्स करो उन्होंने कहा आप लव दे शुड बी हैव दे एम्फसाइज एंड एडवोकेटेड लव एंड डिवोशन टू रीच गॉड दे प्लीज द गॉड इज वन एंड ऑल ऑल मेन आर इज चिल्ड्रन टू लव गॉड इज टू लव मैन काइंड प्रेयर्स फास्ट एंड रिचुअल्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट एज ट्रू लव टू गॉड डिवोशनल म्यूजिक इज वे ऑफ कमिंग क्लोज टू गॉड तो वो लोग सूफी सॉन्ग so, गा गा के भगवान की बहुत ज़्यादा ना प्रेज करते थे तो पीपल शुड फॉलो द टीचिंग्स ऑफ पी हु इज लाइक अ गुरु टू द हिंदूज कास्ट ऑफ क्रीड इज नो बैरियर देयर इज नो नीड ऑफ कन्वर्जन एंड सूफीज वर एबल टू स्प्रेड मुस्लिम कल्चर इन इंडिया देयर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड अट्रैक्टेड द लोअर कास्ट ऑफ हिंदूज आल्सो टुवर्ड्स सूफीज्म क्या किया था वो सारे रिलीजन के लिए बहुत ज्यादा टॉलरेंट था इनकॉपरेट दिंसिपल रिलीजन टू फाइन एम इज कोई भी रिलीजन नहीं था जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था इट वॉज मॉरल कंडक्ट Right, he, he he, he oh, ट दोस्टम तो को बंद कराया तो दीने ला ही एक मॉरल कंडक्ट था उसने किसी को कंपेल uh, नहीं किया उसे फॉलो करने के लिए बट दैट वॉज अ वे ऑफ लाइफेड टू फॉलो तेन केम सिखिज्म सिखिज्म जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ़ टेन गुरुज़ ऑफ़ सेक्स इंक्लूडिंग गुरनान हैं गुरनान हैं मिर्ज़ी वाज़ बोर्न इन तलवंडी इन पाकिस्तान 1469 ईडी व्हेन वाज़ अ चाइल्ड ही वाज़ कंटेंप ही हैड अ कंटेंपलेटिव माइंड ही टुक लिटल इंटरेस्ट इन वर्ल

द्वारा जो आदि ग्रंथ है उसके अंदर 6000 हजार शब्द हैं जिसको पहले पांच गुरुज ने कंपोज किया था गुरु नानक देव जी गुरु देव जी अमरदास रामदास अर्जुन देव जी

follow everything we have to uh, find god even in living this normal daily life

very good on military part he learned all the you know uh, all the, uh, the techniques of military and he was like more than seven feet he was the one who organized in, uh, the six into a military community and he constructed the Thar. guru har rai and guru har krishan followed the policy of pacifism and consolidated sikhism you must have heard of the gurdwara and bangla sahib at place delhi because guru har govind uh, har krishan singh was the one who actually treated a lot of diseases uh, there

Guru Gobind Singh was born at Patna in 1666 AD. He was brought up and trained like a prince. He was nominated the next guru during the lifetime of Guru Tegh Bahadur. He made Anandpur his headquarters and decided to create a national awakening in Punjab. In 1699 AD, he called a meeting at Anandpur and established the Khalsa Pan. He For धर्म तो उनका पांच लोग आ जाए जो रेडिली आना चाहते है धर्म के लिए तो उनमें से पांच लोग जो आए थे उनको उन्होंने बैप्टाइज किया अमृत चकाया और अमृत चुकाने के उनका नाम दिया पांच प्यार

फॉर द गाइडेंस ऑफ फॉलोअर्स गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक स्पेशल रूल बनाया ऑफ कंडक्ट उन्होंने बोला सिख इज में केश योर लॉन्ग हेयर विच कैन नॉट बी चॉर्व कंगा विद अ स्मॉल कोम एंड देन कच्छा पेयर ऑफ शॉर्ट्स कड़ा एंड आयरन ब्रेसलेट एंड कृपान सोट द राइटिंग्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी वर कलेक्टेड एज दसम After Guru Gobind Singh, the temporal seat of Guru entered, the leadership of the community was vested in the culture and Guru Granth Sahib, Gurdwara, Sangat and Pangat became the prominent Sikh institution. So this is all about Sikhism. Let's come to the question and answers. Harmananda Sahib, Sahib was established by Guru Arjan Dev Ji. Akal Thakur was constructed by Guru Har Gobind. The disciple of Ramananda in the north was Ramananda. The word Sufi means pure. खालसा right? was established by गुरु गोबिंद सिंह जी कबीर बिल्ड इन निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति गणेशवर वाज अ भक्ति सेंट ऑफ महाराष्ट्र निजामुद्दीन औलिया वाज अ सूफी सेंट ऑफ द चिश्ती ऑर्डर गुरु नानक देव नाउ लेट्स कम टू ट्रू फॉल्स गुरु नानकस टीचिंग्स आर कंटेंड इन आदि ग्रंथ यस मोस्ट ऑफ द भक्ति सेंट्स वर ब्राह्मिस नो दे वर नॉट फिरदौसीय छतरी ऑर्डर्स आर ऑफशूट्स ऑफ सुहादरी ऑर्डर यस देन अकबर वाज अ डिसिपल ऑफ शेख मुनीरद्दीन चिश्ती यस नाउ लेट्स डू दिस कबीर जीरो थे वो थे निर्गुण भक्ति चैतन्य जो था वो था सगुण भक्ति बाबा फरीद चिश्ती ऑर्डर और पंच पीआर है सिक्स राइट नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय भक्ति भक्ति मींस डिवोशन हु पॉपुलर्स भक्ति मूवमेंट इन इन नॉर्थ इंडिया भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया वाज पॉपुलराइज्ड बाय रामानंद देन हु ऑर्गेनाइज द हिम्स ऑफ गुरु नानक इनटू गुरमुखी इट वाज डन बाय गुरु अंगद देव जी Then uh, which two orders of sufism were popular in India? Two orders of uh, sufism that were popular in India was uh, Chisti order and chodhavi. Then what, were, what did Kabir preach? Kabir did not believe in a, a, a unnecessary sacrifices and nature. He preached oneness or people oneness. He preached law. He preached happiness, love, and he believed that God can be obtained by by uh, the devotion, and God can be obtained if we have love for each other. Describe the contribution of Guru Gobind Singh for Sikhism. Guru Gobind Singh was the 10th Guru of Sikhism. He created the Khalsa Pand, he created the Panch he baptized them and called them Panch His teachings are simple. His teachings, he was the one who provided, uh, uh, who provided a right guidance to the people for creating, for having a life of, uh, of uh, valor and happiness. Then the five tenets of Sikhism is the five thing that Sikhism should Sikhs should adore is Kara, Kanga, Kacha, Kesh, and kitpat The impact of Bhakti and sufi movement is best visible during Akbar uh, reign's explaining the Hey, if we talk of Akbar, Akbar reigns was the best time where we can see the impact of Bhakti and Sufi movement because he was the most religious tolerant leader who his during his reign he did a lot in patronizing uh, humanity because he believed that God was the one who was above all so he was not the one who just believed in one religion he actually had a hall wherein he used to call the scholars of all religion and used to have debates on it he was the one who patronized the bhakti movement and the sufi movement because he was a follower of the shishti movement also he created a lot of temples also he gave a grants for temples also he patronized people who were rajput also so he was the one who was the most religious tolerant leader at that time नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज पोथी पर पर जग हुआ पंडित ध्यान कोई ढाई आखर प्रेम के पड़े से पंडित हो नाउ डू यू अग्री विद सेंट कबीर सेज इन द दो सेंट कबीर वाज द वन हु प्रीच लव एंड कंपैशन फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स सेंट कबीर वाज बेसिकली बोर्न बाय अ ब्राह्मण विडो हु लेफ्ट हिम नियर अ टैंक एंड वाज पिक्ड अप बाय अ मुस्लिम वीवर नाउ ही वाज ड्यूरिंग uh his journey in his life he never believed in any kind of unnecessary sacrifices he was a nirgun bhakti saint who really believed in love and compassion for each other and he thought that god or moksh can be achieved by devotion towards him and by serving humanity so this doha basically emphasizes that if even we have so much of awareness around the mass media has created so much of uh, so much of knowledge around we we think that we have a lot of knowledge but this knowledge is incomplete because this is not creating any kind of awareness now we are reading many things but we are still unaware of the actual way of life we have a lot of stress and frustration which actually kills us and penalizes us and there is no peace at all so only if we you know spend two and a half minutes and we can definitely be more of a scholar more of uh, somebody who is very sagacious and wise if we have love in our hearts so this is what is interpreted by this doha you should go back and read all the kabir das doha which will actually turn you into more civilized human beings so this was all about the chapter we studied about the sufi saints we studied about akbar we studied about uh, so many uh, sufi saints also so we studied about sikhism i hope you had a great time learning happy learning